हेलो फ्रेंड्स, वंदना देसी चूल्हा में आपका स्वागत है। आज हम साबूदाने के बड़े बनाएंगे। ये बड़े बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बड़े बनाने के लिए हमने आधा कप साबूदाना लिया है। ये बारीक वाला साबूदाना है। इसे बोल में डाल देते हैं और दो तीन बार अच्छी तरह साफ पानी से धो लेते हैं, जिससे इसमें जो पाउडर लगा होता है वो निकल जाएगा। हमने साबूदाने को साफ पानी से अच्छी तरह तीन बार धो लिया है। आधा कप साबूदाना था तो इसमें हम आधा कप पानी डाल देते हैं। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो साबूदाना आपस में चिपकने लगेगा। दो घंटे के लिए इसे फूलने के लिए ढककर रख देते हैं। उसके बाद बड़े बनाएंगे। दो घंटे हो गए हैं, साबूदाना अच्छी तरह फूल गया है। जितना हमने पानी डाला था इसने सारा पानी सोख लिया है। अब हम बड़े बनाते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले मूंगफली पीस लेते हैं। मूंगफली पीसने के लिए हमने जाल लिया है। आधा कप कच्ची मूंगफली है, इन्हें हम दरदरा पीसेंगे। हमने मूंगफली पीस ली है। अब आलू देखते हैं। तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। एक इंच बारीक कटा हुआ अदरक है। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च हैं। दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर है। आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक है। नमक आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा है। मूंगफली डाल के मिक्स करते हैं और सबको इकट्ठा कर लेते हैं। अब साबूदाना मिक्स कर देते हैं। बड़े बनाने के लिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब बड़े बनाते हैं। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक बड़े नींबू के बराबर तोड़ेंगे। बड़े वैसे आप अपनी पसंद से जितने बड़े बनाना चाहें बना सकते हैं। गोल गोल घुमाएंगे और हथेली से दबा देंगे। इसी तरह हम सारे बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। बड़े तलने के लिए मीडियम फ्लेम पर हमने तेल गर्म होने रखा था। चेक करके देखते हैं तेल गर्म हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा टुकड़ा कढ़ाई में तोड़ के डालेंगे और देखेंगे। टुकड़ा तैर के ऊपर आ गया है, बड़े डाल देते हैं। जितने कढ़ाई में एक बार में आ जाएंगे उतने डाल देंगे। बड़े सिके हुए दिखाई दे रहे हैं, पलट देते हैं। आप चाहें तो मेरी बनाई हुई व्रत की थाली भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार फिर से पलट देते हैं। जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम पलट पलट के सेकते रहेंगे। बड़े दोनों तरफ अच्छी तरह सेक गए हैं, गोल्डन ब्राउन दिखाई दे रहे हैं। निकाल लेते हैं। हमें एक बार के बड़े तलने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। अब हमने सारे बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमारे 15 बड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब हम आपको बड़े पास से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी बने हैं और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हैं। आप भी बड़े बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।